परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप संसार से अलग रहें? परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप संसार से अलग होकर उसको सुने? इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने घर को छोड़, अपने पिता अपने परिवार को छोड़ और जहां मैं तुझे बता रहा हूं वहां पर जा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों चाहता है परमेश्वर कि हम संसार से अलग होकर, हम उन मूर्तियों से अलग होकर, हम उन चीजों से अलग होकर जो हमारा ध्यान को बांटता है, जहां हमारा ध्यान लगा हुआ है, उससे अलग होकर हम परमेश्वर के राज्य में चलें? क्यों? हालेलुया। क्यों? क्योंकि तभी आप परमेश्वर को समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, बाइबल में यीशु मसीह के पास तीन तरीके के लोग आते थे, एक फारसी सदूकी जो ज्ञान की बातें करते थे और ज्ञान की बातें लेने आते थे और यीशु मसीह उनको ज्ञान देता था, एक ग्रुप था जो यीशु को मसीह के पास चंगाई लेने के लिए आता था, ओनली चंगाई। आज मेरा हाथ टूट गया है, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरा कान खराब है, आज यही, और यीशु मसीह सबको चंगा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक ग्रुप ऐसा था जो यीशु मसीह के पास आते थे अपना जीवन देने के लिए, यीशु मसीह किसके साथ रहा? क्या उन फारिसियों सदूकियों के संग रहा? उनको ज्ञान दिया, अलग हो गया। वो जो भीड़ आती थी और यीशु मसीह से चंगाई के लिए आती थी और यीशु मसीह चंगा करता था, क्या उनके संग यीशु मसीह रहा? बल्कि वो जो भीड़ थी जिन्होंने जिन अंधों ने आंखें पाई, बहरों ने कान पाए, लंगड़ों ने अपनी टांगें ठीक करवाई, वही भीड़ पिलातुस के सामने खड़ी होकर कहती है कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ। लेकिन यीशु मसीह किसके साथ रहा? जो अपना जीवन देने के लिए आ रहे थे। आमीन। आप किस भीड़ का हिस्सा हैं? क्या आप यीशु को चाहते हैं या यीशु के सामर्थ को? क्या आप यीशु को चाहते हैं या वो चंगाई जो कुछ समय के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप अंधे हैं, कल आप बूढ़े होंगे, आपकी नसें कमजोर हो जाएंगी, हाथ कमजोर हो जाएंगे, पैर कमजोर हो जाएंगे। आज आप चल पा रहे हैं, कल आप चल नहीं पाएंगे। आमीन। आपकी चंगाई की जरूरत तो आपको हमेशा रहेगी, लेकिन जिस दिन आपने जीवित यीशु को अपना लिया, जिस दिन आपने उस जीवित यीशु को अपना बना लिया, जिस दिन आपने उसकी ज्योति को अपना बना लिया, उस दिन आप बीमार भी होंगे ना, तब भाई आपको बीमारी का खौफ नहीं होगा, बीमारी का डर नहीं होगा, मौत का डर नहीं होगा। आपको मरना है, कोई बात नहीं, क्योंकि सिर्फ बाइबल ही है जो बताती है कि मरने के बाद ही जीवन है, और कोई पुस्तक नहीं बताती है कि मरने के बाद जीवन है। मरने के बाद ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ही परमेश्वर चाहता है कि तुम संसार से अलग हो। हालेलुया। इसलिए इब्राहिम को परमेश्वर ने संसार से अलग किया। जब आप संसार से अलग होते हैं तब परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलता है। नीति वचन पढ़िए, नीति वचन 3:13 पढ़िए बेटा, नीति वचन 3:13 जल्दी पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। क्या ही धन्य है। बुद्धि का मतलब समझते क्या? बुद्धि का मतलब है ज्ञान। बुद्धि का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो नॉलेज पाए।
और वो भी किसकी नॉलेज? परमेश्वर की नॉलेज। परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है मेरे भाई, अगर ये आपको आज पता लग जाए, सोचिए, अगर यीशु बता दे कि आगे आने वाले साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा, पांच साल में क्या होगा, दस साल में क्या होगा, हालेलुया, और आपको बता दे कि तुम ऐसे चलोगे तो ये होगा, ऐसे चलोगे तो ये होगा, आमीन, और वो चाहता है बताना, वो चाहता है बताना। आपको पता है कभी कभी आपके जीवन में एक चमत्कार आपको सुदृढ़ कर देता है, एक चमत्कार, एक चिन्ह आपको पक्का कर देता है, मजबूत कर देता है। और कभी कभी आप रोज चिन्ह देखते हैं और रोज के चिन्ह भी आपको पक्का नहीं कर पाते, आपको मसीह में मजबूत नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है 17 साल की उम्र में यूसुफ को परमेश्वर ने दो दर्शन दिए स्वप्न के रूप में, कि चांद सितारे तेरे सामने झुकेंगे। हेलो, क्या दिया? चांद सितारे तेरे सामने झुकेंगे। ये दर्शन कोई आसान नहीं था, ये चीज असंभव थी। अगर आपको ऐसा दर्शन मिलता, क्या आप विश्वास करते कि चांद सितारे मेरे सामने झुकेंगे? यार ये क्या मतलब है? हेलो, अगर आज परमेश्वर आपको स्वप्न में ये दर्शन दे कि चांद सितारे तेरे सामने झुकेंगे, आप इसको कैसे लेंगे? इसके पिता ने मजाक उड़ाया, भाइयों ने मजाक उड़ाया, तो पागल हो गया है क्या, ऐसे सपने देख रहा है, हम तेरे सामने झुकेंगे? याकूब ने कहा उसे, लेकिन उस दर्शन ने उसको दृढ़ कर दिया, उसको मजबूत कर दिया। आमीन। इस दर्शन को समझना आसान नहीं है। वो वाली बात हो गई कि एक लड़का एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए कहता है कि मैं चांद सितारे तेरे लिए ले आऊंगा, और लड़की जानती है मन में कोई झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जहां शादी हुई वहां पर चांद सितारों की फोटो भी नहीं लाएगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन यूसुफ ने उस दर्शन पर विश्वास किया। अब सोचिए किस किस नजरिए से उसने देखा होगा कि चांद सितारे मेरे सामने झुकेंगे, यानी कि परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत योजना बनाई है। मैं कोई छोटा इंसान नहीं हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत हैं। प्रेज द लॉर्ड। कभी सुबह उठकर आपने धन्यवाद दिया है? मैं देता हूं परमेश्वर, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरी योजनाएं मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। तूने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है। कितने ऐसी प्रार्थना करते हैं, कितने ऐसा धन्यवाद देते हैं, रोज धन्यवाद दीजिए कि मैं जानता हूं परमेश्वर कि तेरी योजनाएं मेरे लिए बहुत अद्भुत है। भले ही आज मैं नौकरी करता हूं, भले ही आज मैं किराए के मकान में रहता हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तेरी योजनाएं मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में अद्भुत है। आमीन। आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं? यूसुफ के सामने वो दर्शन था कि चांद सितारे तेरे सामने झुकेंगे। उसने उस दर्शन को अपना बना लिया, वो उस दर्शन में जीने लगा। आप कैसे जीते हैं? आप किस वचन के अनुसार जीते हैं?
आज का वचन, आज का दिन आप किस वचन के अनुसार जी रहे हैं? कल का दिन आपने किस वचन के अनुसार जिया? अपना धंधा आप किस वचन के अनुसार कर रहे हैं? अपनी नौकरी आप किस वचन के अनुसार कर रहे हैं? अपने घर में जो पति पत्नी का संबंध है उसमें कौन सा वचन काम कर रहा है? बाइबल संबंधों के वचन से भरी पड़ी है। यूसुफ उस दर्शन में जी रहा था और इतना उस दर्शन को उसने अपना बना लिया कि जैसे ही उसके भाइयों ने उसको मारा, उसका अंगरखा छीन लिया, उसे गड्ढे में डाला और उसे फिलिस्तीनियों के सामने बेचने लगे, हालेलुया, इस्माइलियों के हाथों में बेचना शुरू कर दिया, उसने उफ तक नहीं की। आमीन। वो चिल्लाया नहीं, वो फिलिस्तीनियों से उसने ये नहीं कहा, अरे भैया मुझे मत खरीदो, यही है, ये मेरे भाई हैं जो मुझे बेच रहे हैं, इनको समझाओ। बोला उसने, वो जान गया था कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए बहुत अच्छी है। जब भी आपके जीवन में परीक्षा आए ना, विश्वास के संग कदम बढ़ाइए कि ये परीक्षाएं ही मुझे विजय करवाएंगी, ये परीक्षाएं, ये दुख की घड़ी ही मुझे सफलता की ओर लेके जाएगी। आज ये परीक्षाएं लोगों के सामने मुझे झुका रही हैं, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये परीक्षाएं मुझे ऊंचा उठाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसकी योजनाएं आपके लिए हानि की नहीं है, लाभ की हैं। वो ऐलान कर चुका है, वो ऐलान कर चुका है मेरे भाई। और बाइबल क्या कहती है? आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला वचन नहीं टल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यूसुफ उस दर्शन में जी रहा था, उसके भाइयों ने उसको बेचा, धन्यवाद। वो पोती घर पर में, वो आपका पोती भर के घर में गया, वहां दासत्व का जीवन जी रहा था, उसकी पत्नी ने कामुकता की नजर डाली और उसे जब वो नहीं साथ दिया तो उसे जेल में डाल दिया। उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। आमीन। हेलो, आप सोचिए कि कितना वो उस दर्शन के साथ होगा, कितना वो उस दर्शन में जी रहा होगा, कितना परमेश्वर की सच्चाई को उसने अपना बना लिया होगा। इफिसियों 6:14 बोलता है कि सत्य को अपनी कमर से बांध लो। परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों को अपनी कमर में बांध लो। कोई एमेन नहीं बोल रहा है, कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है, कोई धन्यवाद नहीं कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ गई थी। हालेलुया। जब उसने दर्शन पाया, जब उसने अपने पिता और अपने भाइयों को बताया, हालेलुया, वो रह तो उनके साथ रहा था लेकिन उसका जीवन उन दर्शनों में था। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि आप संसार से अलग हो जाएं, ताकि आप परमेश्वर को समझ सकें। धन्य है जिसकी बुद्धि उसके साथ है, जो समझ की बात करता है। नीति वचन 3:13, नीति वचन 3:13, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, जो बुद्धि पाए। आमीन, हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और जो समझ की बातें करे। परमेश्वर से मांगिए कि मुझे समझ की बुद्धि दीजिए, ताकि मैं सिर्फ बाइबल पढ़ूं ही ना, मैं बाइबल में लिखे हुए वचनों को समझ सकूं। वो वचन तभी आपके जीवन में काम करेंगे जब आप समझ जाएंगे। अगर आप उन वचनों को नहीं समझेंगे ब्रदर, कुछ नहीं होगा।
आज पढ़ेंगे, यहां से सुनेंगे, वहां से निकल जाएगा, आपकी मजबूती कुछ नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निधि वचन दो, एक दो और पांच छह, दो का देखिए, परमेश्वर रिक्वेस्ट कर रहा है, परमेश्वर आपसे आग्रह कर रहा है, आग्रह। हेलो, कौन कर रहा है आग्रह? कौन कर रहा है, मुझसे बात करिए, कौन कर रहा है आग्रह? कौन कर रहा है आग्रह? किससे कर रहा है आग्रह? आमेन। पढ़िए बेटा। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। आमेन। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। आमेन। आज मैंने क्या सुना, ये परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैंने आपको पहले ही बोला था, बाइबल क्या सिखाती है हमको? बाइबल सिखाती है कि सिर्फ बाइबल हमें पढ़नी नहीं है, हमें उस बाइबल को मनन करना है, हमें उस बाइबल के वचनों को याद करना है, और जो हमने याद किया है उसको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारना है, तो बाइबल को पढ़ना है। उपदेश देना तो हर कोई जानता है, उस उपदेश के संग चलना, ये हमें बाइबल सिखाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है कि मन लगाकर सोचे समझ की बात को। अगला पांचवा पढ़िए। तो तू यहोवा के भय को समझेगा। तब तू यहोवा के भय को समझेगा कि यहोवा क्या चाहता है, क्यों चाहता है, क्यों उसने यीशु मसीह की बात नहीं मानी, क्यों गतसमनी के समय यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की, क्या मांगा यीशु मसीह ने? वो अपना जीवन देने के लिए आया था, उसने क्रूस पर मरने से मना नहीं किया, क्या मांगा? कि ये प्याला मेरे पास से हटा दे। यही तो परमेश्वर की योजना थी। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना ना सुनकर उसे समझाया कि मैं क्या चाहता हूं। हालेलुया, आमेन। जैसे यीशु मसीह ने समझाया, जैसे ही परमेश्वर ने समझाया, यीशु मसीह ने कोई विरोध किया? कोई आर्गू किया? हेलो, कोई आर्गू किया? पिता ने कहा है, जब पिता कहता है ना तो हमें उसकी सुननी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। सुनने के लिए कान मजबूत हमें उसके साथ लाने चाहिए। आमेन। जब पिता कह रहा है तो उसमें ही आपकी भलाई है, क्योंकि उसने जो योजनाएं आपके लिए बनाई हैं वो हानि की नहीं है, लाभ की हैं, क्योंकि वो कहता है कि जब तू बुद्धि की बात को समझेगा, जब तू समझ को मन लगाकर सीखेगा, तब तू यहोवा के भय को समझ पाएगा। और क्या लिखा है आगे? और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आमेन। किसका ज्ञान? हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। पूछिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए? आपको दुनिया का ज्ञान चाहिए? आपके पड़ोस में क्या हो रहा है आप जानना चाहते हैं? किस बात पे झगड़ा हो रहा है यार, ये तो पता लगाओ। बीवी ने कितना मारा और पति ने कितना मारा, कैसे पता लगेगा? हमें तो सिर्फ बातें, आवाज ही आ रही, हमने तो देखा है नहीं, तो ये पता तो लगाओ। आमेन। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर चाहता है कि आप मेरे ज्ञान को जानें, जो मैंने सोचा है उसको जानिए, जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है उसको जानिए। इसीलिए कलीसिया बनाया परमेश्वर ने,
इसलिए कलीसिया से जुड़े रहना मजबूती है, मजबूती है। मुझे प्रभु बता रहा है कि यहां पर ऐसा कोई परिवार है जिसमें पत्नी चाहती है कि उसके बच्चे पढ़े और पति नहीं चाहता है। पत्नी चाहती है कि उसके बच्चे पढ़े लेकिन पति नहीं चाहता है। है कोई ऐसा परिवार? हालेलुया, खड़े हो जाइए। हालेलुया, आमीन। ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय है। शैतान आपके घर में घुस रहा है, शैतान आपके घर में घुस रहा है। मैं जो महसूस कर रहा हूं, यहां कोई ऐसा परिवार है, यहां कोई ऐसी बीवी है, यहां कोई ऐसा पति है, वो मेरे सामने नहीं आएंगे, मैं जानता हूं। लेकिन यहां पर कोई ऐसा परिवार है, कोई ऐसा आदमी है जो हिम्मत से अपनी बीवी को बोलता है कि तू तो मेरी बीवी है लेकिन एक और औरत के संग मेरा संबंध है। तू कुछ नहीं कर सकती, मेरा है यहां पर। शैतान घर में घुस रहा है। प्रार्थना में रहिए, जितना प्रार्थना कर सकते हैं प्रार्थना में रहिए। घमंड मत करिए, हमारे साथ नहीं है। कब शैतान उस गलत आत्मा को लेकर आपके घर में घुस जाएगा ना, आप सोच नहीं सकते हैं। ये है उसके समाधान का तरीका। इसलिए वो चाहता है कि आप संसार छोड़कर प्रभु में रहिए, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आमीन, आमीन। छठा क्या, जल्दी से पढ़िए नीति वचन 2:6, जल्दी पढ़िए। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हेलो, देखिए मेरी तरफ, ज्ञान और समझ की बातें किसके मुंह से निकलती हैं? आपके पड़ोसन के मुंह से नहीं, आपके पड़ोसी के मुंह से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले वचनों में ही ज्ञान है। परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों में ही समझ और ज्ञान है। इसलिए इसी में अपना मन लगाइए, इसी को खोजिए, इसी के प्रकाशन को ढूंढिए जो उसने आपको आत्मा दी है, तब आप उसके ज्ञान को समझेंगे, तब आप उसके डर को समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप डर के साथ जिएंगे, परमेश्वर के भय के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, बाइबल कहती है प्रोवर्ब्स नीति वचन 1:7 कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। क्या है? परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको इब्राहिम और लूत से मिलवाऊंगा। देखिए परमेश्वर ने कैसे इब्राहिम के बीच में काम किया। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, वो नहीं चाहता था कि लूत भी उसके साथ आए। अगर 11वें अध्याय के हम अंतिम पढ़ेंगे उत्पत्ति में, तो हम देखेंगे जब 13 की मृत्यु हुई, हारान शहर में थे, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि आओ, निकल आओ, सब कुछ छोड़ो और जिस देश को मैं बताऊंगा वहां पर आओ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इब्राहिम लूत को लेकर आया। उसके बाद 12वें अध्याय में हमने देखते हैं कि साहब इब्राहिम मिस्र चला गया, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी मिस्र जाना। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप गलत संगति में हैं तो आप परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप, सुनिए ध्यान दीजिए, अगर आप उस संगति में हैं जिस संगति को परमेश्वर नहीं चाहता है,
ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर आप उस संगति में हैं जिस संगति को परमेश्वर नहीं चाहता है, तो आप परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाएंगे, आप परमेश्वर के दर्शन को नहीं समझ पाएंगे। और यही हुआ इब्राहिम के साथ। वो उर देश से आगे अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, 318 अपने दास दासियों को लेकर आ गया, लेकिन साथ में लूत को भी ले आया, उसके बच्चों को भी ले आया, उसकी पत्नी को भी ले आया, उसके नौकर चाकरों को भी ले आया, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता था। और उसका हर्ष क्या हुआ कि वो मिस्र चला गया, और मिस्र में उसे झूठ भी बोलना पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी सारे बहुत खूबसूरत है। और उसने सारे से कहा, सारे मैं जानता हूं तो खूबसूरत है, और मुझे ये भी पता है कि यहां जो मिस्र के राजा हैं उन्हें सुंदर लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब उन्हें पता लगे कि मैं तेरा पति हूं तो इस वजह से कहीं वो तुझे पाने के लिए मुझे ना मार दें, इसलिए तू झूठ बोलना कि तू ये मेरा भाई है। हालेलुया। लोग समझते हैं कि झूठ बोलना पाप है, और इब्राहिम ने पाप किया था। उस समय तक व्यवस्था नहीं बनी थी, व्यवस्था मूसा के बाद बनी है। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम ने मिस्र जाकर गलत किया, क्योंकि मिस्र में गया वो उसके डर की, जैसा डर उसको था वैसे ही फिरौन के आदमी आकर सारे को ले गए, और जैसे ही वो सारे को ले गए तो उसकी वजह से फिरौन राजा पर बहुत विपत्तियां डाली परमेश्वर ने। हालेलुया। और वो डर गया, और उसे पता लगा कि इब्राहिम की बीवी सारे है। उसने सारे को वापस किया, उसने कहा क्यों ऐसा तुमने किया मेरे साथ भाई, मुझे बताया क्यों नहीं? ठीक है, अब मैं जान गया हूं कि तेरी पत्नी है, तुम एक नबी है, तुम जाओ इसको लेकर। बहुत सारा धन दे दिया, बहुत सारा दौलत दे दी, बहुत सारे मवेशी दे दिए, जानवर दे दिए, और बहुत सारे दास दासियां भी फिरौन ने इब्राहिम को दे दिए, अब्राम को दे दिए। उस समय उसका नाम क्या था? अब्राम। इब्राहिम कब हुआ? 17 अध्याय के बाद। हालेलुया। अब्राम को दे दिए, और अब्राम की वजह से लूत को भी आशीष मिल गया। हालेलुया। और वो दोनों बाहर आ गए। लेकिन अध्याय 13 की शुरुआत अगर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो दोनों एक साथ रहने लगे, एक साथ रहने लगे। 13 का पढ़िए 1-4 जल्दी से। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। आमीन। क्या किया अब्राम ने? अब्राम ने मिस्र से आकर जब उसको बहुत आशीष मिला, उसने क्या किया? प्रार्थना की। लूत ने प्रार्थना की नहीं की। फिर आगे हम पढ़ेंगे, देखिए, क्योंकि लूत परमेश्वर का बुलाया हुआ नहीं था, वो जानता था। इसलिए अगर आपकी गलत संगति है उसकी वजह से आप दुख उठाएंगे, अगर आप गलत संगति में हैं तो आप परमेश्वर के दर्शन को नहीं पाएंगे। अगर आप गलत संगति में हैं तो परमेश्वर जो आपसे कहना चाहता है वो आप नहीं सुन पाएंगे। क्यों उर देश से परमेश्वर लेकर आया था इब्राहिम को? ताकि वो उसे बता सके, अपने योग्य बना सके। लेकिन लूत को लेकर आ गया परमेश्वर, लेकर आ गया इब्राहिम, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था। और हुआ क्या कि वहां पर रहते रहते लूत के चरवाहों में और इब्राहिम के चरवाहों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया, वहां हित्ती करानी भी रहते थे, तो इब्राहिम ने कहा कि भैया लूत, तू भैया मेरा मांस की हड्डी है, इसलिए ऐसा कर, तुम कहीं और चला जा, हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में झगड़ा हो, ना तेरे चरवाहों के बीच में ना हमारे बीच में, इसलिए जहां कहीं तेरी इच्छा हो वहां चला जा, और जहां तू जाएगा उससे विपरीत मैं जाऊंगा। लूत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस समय तक उसके पास बहुत पैसा आ गया था,
वो समझता था मैं ब्लेस्ड हूं। हालेलुया, बंद करिए प्लीज, बंद करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूथ ने कहा ठीक है, और आप लूथ चला गया। उसने देखा, अगर आप पढ़ेंगे इसका दसवां, पढ़िए 13:10। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, हाँ, कि वह सब सींची हुई है, हाँ, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, उसने क्या देखा? उसने देखा, आंख उठाई। लूत ने किस पे भरोसा किया? अपनी आंख पर। उसने कहा यर्दन नदी, जैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने वाटिका बनाई थी वैसी दिख रही है, फूल भी हैं, फल भी हैं, पेड़ भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी मेरे भाई मेरी बहन, हम अपनी आंखों से जो देखते हैं ना, वो खतरे की घंटी होती है। हम समझते जो आंखों से दिख रहा है बहुत अच्छा है, बस यही ले लो। यही हवा को दिखा था, वो सेब फल, वो जो फल था दिखा था हवा को, देखने में सुंदर है, खाने में मीठा है। हालेलुया। आजकल जो हमारे जवान बच्चे हैं वो बहुत जल्दी भटकते हैं सुंदर चीजों को देखकर। ये सुंदर लड़की है, देखने में बहुत अच्छी है, गोरी चिट्टी है, यही होगी बस। सोचते नहीं है, पूछते नहीं है। लूत ने क्या किया? आंखों से देखा और उसने कहा यही स्थान है। उसने प्रार्थना नहीं की, उसने परमेश्वर से नहीं पूछा कि जगह मेरे लिए है, नहीं। अरे उसने कहा ये इब्राहिम बेवकूफ है, इससे पहले इब्राहिम देख ले मैं लपक लेता हूं। अच्छा हुआ इब्राहिम ने मुझसे कहा, देखा ये है परमेश्वर मेरे साथ। अच्छा हुआ इब्राहिम ने मुझसे कहा, मुझे पहले चांस दिया। इब्राहिम ने देखा ही नहीं वो। हेलो, जिन चीजों में जो परमेश्वर के द्वारा नहीं रची गई हैं, वो परमेश्वर आपको दिखाएगा ही नहीं, वो परमेश्वर आपको दिखाएगा ही नहीं। यहां पर पास्टर जो लोग हैं ना भैया, 40-40 साल से लोग यहां पर हैं, सेवा कर रहे हैं, 50-50 साल से सेवा कर रहे हैं, ये जगह किसी को नहीं दिखी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इससे पहले एक जगह एक और ले रहे थे अलकापुरी में, 4-5 गाले संतोष को मैंने भेजा था, और संतोष ने कहा नहीं पास्टर मज़ा नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और परमेश्वर ने हमें वहां से बचाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके लिए वो चीजें रखता है जो आप देख भी नहीं सकते। इसलिए दूसरा करिन्थियन 2:9 क्या कहता है? जो आंखों ने नहीं देखा, जो आपके चित्त में नहीं समाई है, वही परमेश्वर ने आप अपने प्रेम करने वालों के लिए रची है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर क्या देखा उसने? लूत ने देखा यर्दन नदी, आहा, और वहां पर क्या था? सदोम अमोरा, जिस जाति से परमेश्वर नाश करता था। इसी का 13 पढ़िए। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। यहोवा की दृष्टि में बहुत पापी थे। अगर वो परमेश्वर से पूछता, और सदोम अमोरा में मकान थे, आपको पता है? हेलो, क्या थे? अब्राहम कहां रहता था? कहां रहता था? तंबू में। आप सोचिए, एक तंबू में रहने वाला इंसान को मकान मिल जाए, वो तो उसके लिए जन्नत है। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचेंगे देखो मुझे मकान मिल गया, इब्राहिम ने कुछ पाप जरूर किया होगा, अभी तक बैठा हुआ है। हमें देखो घर मिल गया, क्या वो घर परमेश्वर की ओर से है? मैन, हेलो, हमारे लिए वो तंबू सही है जहां परमेश्वर की इच्छा है।
मेरे लिए टूटा फूटा मकान चलेगा जहां मेरा इशू है, मुझे महल नहीं चाहिए। मेरा पहला ध्येय कि मेरा इशू वहां रहे, मेरे पैर पड़ने से पहले मेरे इशू के पैर वहां पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लूत चला गया और अब्राहम चुप हो गया। प्रेज द लॉर्ड, अब्राहम चुप रह गया। क्या हुआ? हालेलुया। अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। इसी का 13वां पढ़िए। हालेलुया, इसी का 14वां, 14 से 18। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब परमेश्वर ने देखा कि लूत अब्राहम को छोड़ चुका है, जब देखा परमेश्वर ने कि अब्राहम के जीवन से लूत निकल चुका था। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए आप। परमेश्वर कब आपको आशीष देता है? कब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करता है? जब वो देखता है कि आप संसार से बाहर आ गए हैं। हालेलुया, बोलिए बोलिए। 14वां, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आपके लिए जो परमेश्वर ने सोचा है ना, प्रेज द लॉर्ड, जो इसी वंश इसी युग के लिए नहीं, आगे आने वाले युग के लिए भी, आमेन। आप अभी का सोच रहे हैं, परमेश्वर अभी का नहीं सोच रहा है, परमेश्वर आपके वंश का भी सोच रहा है। परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करता है तो आपके वंश को भी ब्लेस करता है। इब्राहिम से पर उसका वंश नहीं था, उसका कोई बच्चा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर, उसने क्या कहा, जब इब्राहिम, जब लूत इब्राहिम को छोड़ चुका तब परमेश्वर ने बोला। आमेन, तब परमेश्वर ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर जानता था जब तक आपकी गलत संगति रहेगी, जब आपकी संगति अच्छी नहीं होगी, आप परमेश्वर के सामर्थ को, आप परमेश्वर की योजना को समझ ही नहीं पाएंगे। और अगर समझ नहीं पाएंगे तो वो सामर्थ, वो आशीष आपके जीवन में काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे। हालेलुया, इसी का 18वां पढ़ो, इसी का 18वां देखिए। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़ कर मम्रे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। आमेन, हालेलुया। मर्मे ब्रिज के पास, वृक्ष के पास। मर्मे वृक्ष का मतलब क्या है? समृद्धि, समृद्धि। मर्मे वृक्ष का मतलब क्या है? समृद्धि। और हेब्रोन का मतलब क्या है? सहभागिता। वो कहां पर रहने लगा? समृद्धि की सहभागिता के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे पहले उसने क्या किया? यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, उसने धन्यवाद किया। जैसा अमितेश ने आपको बताया कि धन्यवाद के फाटकों से प्रवेश करके जब आप आते हैं तो आप क्या पाएंगे, यानी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर के वचन को। आमेन, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि यस, जो परमेश्वर ने कहा वो मेरे जीवन में होगा। हालेलुया, अब्राहम ने एक्सेप्ट कर लिया था, उसने कहा कि मैं तुझे और तेरे वंश को अद्भुत आशीष दूंगा, जितने तारागण हैं, जो लोग तारागणों को गिन सकते हैं वही तेरा वंश भी गिनेंगे। अब्राहम ने क्या किया? अपने तंबू उठाए और मर्मे वृक्ष के पास एब्रोन के सामने गाड़ दिए और वेदी बनाई, यानी कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट किया। हालेलुया,
अमितेश ने जो कहा समझे आपके नहीं समझे? आज का वचन अमितेश का कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अच्छा लगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अमितेश को प्रार्थना में रखिए। मैं उसका पिता हूं और एक पासवान भी हूं। मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा संपूर्ण तरीके से प्रभु की सेवा करे। और मैं उसमें काफी चेंजेस भी देख रहा हूं और वो कर रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समर्पण, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया उसकी समझ खुल गई, वो परमेश्वर को समझने लगा, वो परमेश्वर की योजनाओं को समझने लगा, वो परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे 14वें अध्याय में अगर हम देखेंगे, 14 का 12 देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि वहां के जो राजा थे, 5 राजा थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया और सदोम और अमोरा के जो लोग थे उन पर आक्रमण करके उन्होंने सब लोगों को उठा लिया, और उसमें लूत भी था, लूत और उसके परिवार को भी उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, कितनों को आशीषित मिल रही है? आशीष मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर विश्वास के संग अंत तक सुनेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। अभी मेन टॉपिक आ रहा है, अभी आपको मैं मेन टॉपिक बताने वाला हूं। अभी तो शुरुआत थी, बिगनिंग तो आपने देख ली, अभी इसका अंत देखिए अंत क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर 14वां क्या कहता है, 12वां क्या कहता है? आपका 14 का 12 पढ़िए। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। हाँ, अब पढ़िए 14 से 16, ध्यान दीजिए। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया। एक मिनट, यहाँ देख रहे हैं कि 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दास थे। क्या अब्राहम ने कभी सोचा था कि उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी? मैं सोचता हूं कि जब अब्राहम उर देश से आया, जब उसके पास 318 लोग थे, उसने उन लोगों को खाली नहीं बिठाया होगा, उसने अपनी हिफाजत के लिए उनको युद्ध करना सिखाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब घर में रहें तो हम भी खाली ना रहें, हमारे पास भी युद्ध कौशल के अस्त्र शस्त्र हैं, हमारे पास भी युद्ध कौशल के अस्त्र शस्त्र हैं। हमें अंतिम समय में किसी के लिए, किसी के सामने युद्ध करने के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। इसलिए अगर आपने घर में हो, अपनी पत्नी के सामने हो, अपने बच्चों के सामने हो, तो उनको अस्त्र शस्त्र के बारे में बताइए, उनको तैयार करिए कि तुम्हें संसार में कैसे रहना है, किन अस्त्र शस्त्रों के साथ तुम्हें अपने आप को सुसज्जित करना है। यही अब्राहम ने किया और जो आज काम आया कि वह लूत को बचा पाया। आगे पढ़िए। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। हालेलुया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से आप समझिए मेरा अंतिम वचन, इस पंचिंग लाइन को समझिए आप। उसने राजाओं से लूत को बचाया, उसके धन को बचाया, वो अपनी उनकी स्त्रियों को बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको बचाकर जहां वो रह रहा था वहीं पर उसने लूत को रखा। हेलो, उसका भतीजा था, एक बार उसके भतीजे को राजाओं ने उठा लिया था, आप होते क्या करते? उसको अपने पास ले आते। अरे नहीं नहीं, अब तुझे अकेला नहीं रखूंगा मैं, अब अकेला नहीं, ये राजा तुझे एक बार चोट पहुंचा चुके हैं, एक बार तो मैं ले आया, अब तुझे अकेला नहीं रखू, लेकिन अब तुझे अकेला नहीं रखूंगा, अब मेरे साथ चल।
Amen. यही परमेश्वर बुद्धि देता है. वो उसे नहीं लाया, उसने बचाया जरूर, उसने लूत को बचाया, लेकिन वो समझ गया कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि लूत मेरे साथ रहे. जब आप संसार से अलग होते हैं तो परमेश्वर आपकी बुद्धि खोलता है, किसके संग आपको रहना है और किसके संग आप नहीं रहना है, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी बुद्धि खोलता है कि आपको किसके संग रहना चाहिए, किसके संग आपको बात करनी है, कहां पर आपका अभिषेक रुका हुआ है, कहां पर आपके बंधन है, कैसे परमेश्वर काम कर रहा है. वो लूत को वापस नहीं लाया, बचाया जरूर उसने, उसके धन संपत्ति, उसकी स्त्रियों को, उसके बच्चों को बचाया, और जहां वो रुका हुआ था सदोम अमोरा के पर, वहीं पर उसे रखकर वापस आ गया. परमेश्वर चाहता है कि आप संसार से दूर होकर, संसार से अलग रहकर, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे ना, मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी बुद्धि खोलेगा, परमेश्वर आपकी समझ खोलेगा. आप जानते हैं आपका नाश क्यों होता है, मसीह होने के बावजूद भी अगर आप गलत संगति में नहीं, आप अगर गलत संगति को नहीं छोड़ते तो आपका नाश क्यों होता है पता. मती 12 36 और 37 निकले, मेरी तरफ देखिए आप. मती 12, मैथ्यू 12 36 37. अगर आप उस संगति से नहीं निकलते, जल्दी पढ़िए. और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे. कब कहेंगे निकम्मी बातें? जब वो गलत संगति में रहेंगे. शैतान का मकसद क्या है? इधर देखिए मेरी तरफ. शैतान का मकसद क्या है? आपका नाश करना. आप चर्च में तो निकम्मी बात कह नहीं सकते क्योंकि आप चर्च में हैं, मसीहों के साथ हैं. नहीं नहीं भैया, तो जो शैतान है वो निकम्मी बात आपसे कब कहलवाएगा? जब आप दूसरे लोगों के साथ होंगे और आप दूसरे लोगों के साथ रहकर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे. अरे उसके संग तो ये है और वो ये है, और आप हाँ तू सही कह रहा है, आप सही कह रहे हो बहन, आप सही कह रहे हो भैया. आपके मुंह से निकम्मी बातें उगलवाएगा शैतान. कब? जब आप गलत संगति में होंगे. आप सोचेंगे मैं तो उसकी हाँ में मिला रहा था पापा, उसकी हाँ में मिला रहा था मैं तो. अरे भैया उसकी हाँ में मिला रहे थे लेकिन आप, मुंह तो आपका था, मुंह तो आपका था. 37वां पढ़िए. क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा. आमीन. क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा. मसीहों के बीच में रहकर तो आप कोई गलत बात करेंगे नहीं कि सब लोग हैं, हमको चर्च भी जाना, इनके सामने नहीं. लेकिन कुटिल बातें कहां पर होती हैं? संसारिक लोगों के सामने. और वही कह रहा है कि आपसे मुंह से निकली हुई गलत बातों की वजह से ही आपका क्या होता है? आपको दोषी और निर्दोष ठहराया जाएगा. इसलिए आपके हाथ में है कि गलत संगति से निकलिए. अपना जो भी कम है समय है गलत संगति में मत रखिए. और अगर ये मान लीजिए कभी गलत संगति में जाना पड़ा तो अपने मुंह को बंद रखिए. अपने मुंह को गंद वस्तुओं से निकलने से पहले रोकिए. मैं आपको सच कह रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी हूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे भी देना पड़ेगा, न्याय मेरा भी होगा. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप संसार से अलग रहें. इसलिए जैसे ही लूत चला गया, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया,
परमेश्वर उसे अपनी योजनाओं के बारे में बताता है। मेरे भाई मेरी बहन, कुछ नहीं रखा है। हम संसार में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन संसार को अपने अंदर मत लीजिए। अगर संसार को अपने अंदर लेंगे मेरे भाई मेरी बहन, आप शैतान के चंगुल में आ जाएंगे। आप नहीं जानते, शैतान बहुत चालाक है। उसका मकसद है कि आप किस तरीके से जैसे बचाए गए हैं, शैतान आपको नष्ट कर दे, आपकी आत्मा को नष्ट कर दे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, वचन को समझिए, परमेश्वर को समझिए, उसकी योजनाओं को समझिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया। आज के वचन की वजह से आपको आशीष मिली, और जो आपको आशीष मिली है दूसरों को दीजिए, खुद तक मत रखिए। ये वचन जो आप देखते हैं दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों को दीजिए, ताकि आपको आशीष मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। पिता परमेश्वर, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। आपकी कृपा दृष्टि इन पर बनी रहे, आपकी बुद्धि इनको समझ में आए। परमेश्वर समझ की बुद्धि दीजिए, ताकि ये समझ सकें आपकी योजना है, आपके प्यार को, और परमेश्वर आपके मुताबिक वो जीवन बिताएं जो आप चाहते हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे जोर से तालियां बजाइए। पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए, कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया।